राजधानी जयपुर में आज एक बार फिर से संविदा पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा महापड़ाव डाला गया है। आज स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा के आवास का घेराव किया गया है। यही मांग है कि जब हमें जब संविदा पे लगाया गया था तब भी हम एग्जाम बेस पर ही लगे थे, आज हम सब लोग मेरिट बेस पर लगे हैं। कट ऑफ निकली थी उसके बाद हम लोग को चयनित करके जब लगाया गया था तो सरकार हमारे बार बार एग्जाम क्यों करवा रही है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को पहले प्राइवेटी दी जाए और हम लोगों को परमानेंट किया जाए, और जो हमेशा से जैसे भर्ती निकलती आई है मेरिट प्लस बोनस के आधार पर हम लोगों को परमानेंट किया जाए। और अभी हमारी मुख्य मांग यही है कि जो विज्ञप्ति जारी होने वाली है उसमें एएनएम के एग्जाम कैंसिल किया जाए। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का आश्वासन? किसी भी प्रकार का अभी तक हमको कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर अभी भी बहनें आ रही हैं और भी डिस्ट्रिक्ट से आने वाली है, तो हम सरकार को यही चेतना देना चाहते हैं। महिला कर्मचारियों ने कहा कि यदि मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उनके घर के बाहर आमरण अनशन किया जाएगा।